अगर घर में कोई पेशेंट है तो भूल से भी उसका सिर नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। आप कैसे भी लिटाए, नीचे जमीन से लिटाए, लेकिन सिर साउथ में होना चाहिए। पेशेंट्स का मैंने नाइट हॉस्पिटल्स के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर हार्ट का पेशेंट, मैंने ये एग्जाम्पल लेता हूँ, बीच कैंडी हॉस्पिटल में हार्ट का पेशेंट शाम को एडमिट हुआ, देखने के लिए है, बोला कि आप ठीक हो जाएंगे, शाम को हम लोग बाहर निकले, दो तीन एक्सपर्ट थे, उनमें से एक बोले लगा कि सुबह तक आदमी चला जाए। ऐसा किसी बोलते आपने अंदर कभी बोला, बोले इस हॉस्पिटल में इसका सिर उन्होंने नॉर्थ में रखा है, नॉर्थ डायरेक्शन में भी है, नॉर्थ में क्यों है और उसको ऐसा इफेक्ट क्यों आता है? हमारी जो पूरी बॉडी है वो अपने आप में मैग्नेटिक है और मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, पाँव का दलिया साउथ पोल है और सिर नॉर्थ पोल है। तो अपोजिट पोल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर पोल्स आपस में रिपेयर करते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जब सिर रखेगा तो नॉर्थ में जो एनर्जी है ग्राउंड की एनर्जी वो उसको रिपेयर करती है, तो अंदर के पूरे नर्वस सिस्टम को वो डाउन करती है और उसमें उसके ऊपर इफेक्ट आता है। और मैं वो ऑटोमेटिकली वो आदमी अगले दिन सुबह 10 बजे मालूम पड़ाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। तो खासतौर पर अगर वहाँ पर कोई भी पेशेंट है उनको कैसे भी मैनेज करना पड़े, सिर्फ साउथ में होना चाहिए पेशेंट का, जिससे उसका जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट है वो बराबर रहे और उसको रिकवरी स्पीडी हो जाए। घर के अंदर अगर हम दूसरे डायरेक्शन में नहीं रखते तो कम से कम नॉर्थ में तो हमारा सिर नहीं होना चाहिए। अगर घर में नॉर्थ में सिर रखते हम सोते हैं तो माइग्रेन पेन है, हेडेक है, आधी शीशी का दर्द है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमको नॉर्थ में सिर करके सोने से होती है। यस अगर नॉर्थ छोड़ करके आप कोई भी डायरेक्शन में सिर करके सो सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं वो, या ओल्ड एज घर के एल्डर्स हैं वो ईस्ट में सिर करके सो सकते हैं। न्यूली वेड कपल उनके लिए बेहतर है कि वो साउथ में सिर करें। और कोई आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है तो भले आप कोई भी डायरेक्शन में सो जाइए, लेकिन कम से कम नॉर्थ अवॉइड करें। ठीक है, दूसरा अपना कैश तिजोरी कहाँ रखना चाहिए। अर्थशास्त्री के अंदर तिजोरी नॉर्थ डायरेक्शन में रखनी चाहिए, ऐसा क्लियर कट लिखा है। मैंने बहुत से टीवी के ऊपर, आजकल तो हर टीवी के ऊपर एक एस्ट्रोलॉजर नहीं वास्तु कंसल्टेंट आपको कंपलसरी मिलेगा। मैंने बहुत से कंसल्टेंटों से घूम के सुना है कि तिजोरी आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वायु का कोना बोलते हैं, हवा का कोना, चंद्र का कोना बोलते हैं। डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इज लॉर्ड ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज मून, और उसको वायु का, तो वायु चंचल होती है, वो कहीं स्टेबल रह नहीं सकती। अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपने अपनी तिजोरी रखी है या कैश के अलावा ज्वेलरी वगैरह रखी है तो हवा की मात्रा खुल जाएगी, तो मालूम नहीं पड़ेगा। आपका आमदनी 100 रुपया होने दो कि 1 लाख रुपया होने दो, जितनी आमदनी होगी उससे प्लस 10% आपका खर्चा हो जाएगा। स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी पैसा? मोस्ट स्टेबल कॉर्नर जो है वो स्टेबिलिटी वाला कॉर्नर जो है साउथ वेस्ट। आप किसी भी कमरे के अंदर अपनी तिजोरी रखिए, अपने कबाट में पैसे रखते हैं, इस हिसाब से रखिए कि साउथ वेस्ट कॉर्नर से थोड़ा सा हट करके साउथ की तरफ आप तिजोरी में पैसे रख सकते हैं। लेकिन तिजोरी का दरवाजा इस हिसाब से हो कि वो खुलते टाइम में उसका मुंह ना हो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्थ को लीजिए, पॉसिबल नहीं है तो ईस्ट वेस्ट निकाल, लेकिन ओपन होना चाहिए ईस्ट या नॉर्थ, प्रेफरेबली नॉर्थ। When you are keeping your, you have to keep your hand in the south. Yes.
your head should be in the south side. हो गई, बच्चों के लिए हो गया, एडल्ट्स के लिए हो गया। एडल्ट्स के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का बेडरूम आप यूज कर सकते हैं एडल्ट्स के लिए। अगर आपके पास में बंगलो है तो बंगलो में ध्यान रखिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन का जगह के लिए रेंट के ऊपर नहीं मिलेगी तो आपका भाड़ो जल्दी खाली करके नहीं जाएगा। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का जो जगह होगा वो आप रेंट पर ले सकते हैं। जल्दी खाली नहीं होता है। टॉयलेट हो गया, पीजोरी हो गया, बॉम्बे में तो बहुत कम अपने को चांस मिलता है कि अपन फ्लैट के अंदर रहते हैं तो किसी को रेंट कर देना, लेकिन बहुत से अभी दिल्ली साइड में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, रिमोट एरिया जाएंगे, वहाँ पर क्या है कि अपन एक बंगलो टाइप में रहता है तो एक फ्लोर अपने पास रहेगा, एक दे दिया, उसमें से अगर आपका साउथ वेस्ट का साइड का अगर पोर्शन अगर आप रेंट पर लेते हैं तो वो खाली होने में मुश्किल होती है, वो जल्दी खाली नहीं होता। उसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम साउथ वेस्ट में रहें, नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन हम भाई से दें तो वहाँ पर आपको टेनेंट जो टेनेंट है वो जल्दी बदलते रहें। प्रॉब्लम्स हैं कौन सी, एक प्रॉब्लम ठीक करते तो दूसरी का मालूम नहीं होता है, दूसरी ठीक करे तो तीसरी का मालूम नहीं होता है, ऐसी पोजीशन बनती है क्रिटिकल केसेस के अंदर। हम लोग जनरली सभी को एक रिकमेंडेशन करते हैं कि भाई घर के दरवाजे के बाद आप चेंज करने के बाद में एक तो स्वस्तिक लगाइए और एक क्रिस्टल के षडयंत्र की स्थापना करें। क्रिस्टल के षडयंत्र पहले तो भी 2 बरस 3 बरस पहले बहुत जबरदस्त पब्लिसिटी चलती थी और किसी के स्ट्रेंथ पर बहुत से टी वी स्ट्रेंथों को दीजिए और सस्ते से महंगा बिका, धीरे धीरे सीजनल के हिसाब से वो बंद हो गए। बंद क्यों हो गए? क्योंकि जिन लोगों ने जितने हाई एक्सपेक्टेशन दिखाए थे कि भाई ये इतना काम कर जाएगा, ये महालक्ष्मी का अवतार है, ये कैसे काम करेगा, ये होगा वो होगा, उसकी एक्सपेक्टेशन पर वो षडयंत्र खड़े नहीं हुए, धीरे धीरे करके उसका चलन बंद हुआ। षडयंत्र किसी के घर में हो और उसने उसकी प्रतिष्ठा की हो, सही तरीके से उसका पूजा पाठ किया हो और उसके मंत्र का वो जाप करता हो तो इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल दैट षडयंत्र इज नॉट गिविंग। तो स्वस्तिक कौन सा दीवार पे ड्रॉ करने? दरवाजे के बाहर स्वस्तिक जो है, दरवाजे के बाहर ये हम लोगों ने स्वस्तिक जो डेवलप किया है इसमें 3 राशि मैंने आपको बताया है। इसमें स्वस्तिक सिंबल का एनर्जी है, प्लैनेट के डायरेक्शन का एनर्जी है और थर्ड एनर्जी उसका जो है वो है पिरामिड का। ये स्वस्तिक के अंदर 153 पिरामिड की पावर दी है। पिरामिड एनर्जी का एक कॉमन कंसेप्ट मैं आपको बता दूं जो हम लोगों ने सीखा है कि पिरामिड कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर, पिरामिड की जो शेप होती है ना वो अपने अंदर कॉस्मिक एनर्जी को, एग्जिस्टिंग कॉस्मिक पॉजिटिव एनर्जी को 104 टाइम्स एम्पलीफाई कर देती है। इसमें 3 एनर्जी हुई, स्वस्तिक का एनर्जी 10 लाख बोरी, प्लैनेट एनर्जी 5 वे ऑफ कलर और थर्ड एनर्जी, दोनों एनर्जी को उसके पिरामिड की शेप में 104 टाइम्स एम्पलीफाई कर दिया। तो ये एक बेस्ट एनर्जेटिक प्रोटेक्टर के रूप में काम कर सकता है। इसको घर के डायरेक्शन, घर हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, कारखाना हो, कहीं पर भी दरवाजे के बाहर अगर आप सुन करके लगाते हैं शुभ चौगड़िया देख करके तो ये बहुत अच्छे प्रोटेक्टर के रूप में काम करेगा। अपना घर का दरवाजा अपनी ह्यूमन बॉडी का माउथ ऐसा काम करता है। ये करके दरवाजे के बाहर लगा सकते हैं। बहुत से केसेस के अंदर बहुत से काम जो अड़चन उनसे अड़चन आ रही थी, काम नहीं हो रहे थे, वो लगाते लगाते उसके रिजल्ट मिलने शुरू हुए।
कुछ लोगों को हमने देखा 2 महीने 4 महीने में रिजल्ट मिल गया। इसका मतलब ये नहीं कि आपने लगा दिया सारे पाप धुल गए और सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे करके। इसका काम है कि आपकी नेगेटिव एनर्जी को एनहेंस करना, एक प्रोटेक्टर के रूप में काम करना, किसी नेगेटिव वाइब्रेशन को आपके घर में वो एंटर नहीं करने देगा। घर को आपने क्लीन कर दिया, रोज सुबह शाम आप दियाबत्ती करते हैं, वहाँ दीपक जलाते हैं, चारों तरफ घुमाते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ क्रिएट होती है, वो बनी रहेगी। बाहर प्रोटेक्टर रहा तो अपने को घर की एनर्जी बैलेंस रहेगी।